दोस्तों, हिंदी सिनेमा में जितनी ज्यादा अहमियत किसी फिल्म के मुख्य अभिनेता को दी जाती है, उतनी ही प्रमुख उपस्थिति एक विलन की भी होती है। और आज हम जिन अभिनेता की बात कर रहे हैं, वो हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े विलन के तौर पर जाने जाते हैं, साथ ही उनका नाम देश विदेशों में भी बहुत फेमस रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के विलन अभिनेता कबीर बेदी जी की। हालांकि कबीर जी हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है, वो किसी भी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन बता दें कि कबीर भारत के सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं में से एक हैं, जिनका करियर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और यूरोप तक फिल्मों, टेलीविजन, थिएटर और रेडियो में भी फैला हुआ है। उन्होंने 5 भाषाओं में 5 फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें अंग्रेजी, इतावली, हिंदी, मलयालम और तेलुगु जैसी भाषाएं शामिल है। इनको विशेष तौर पर खून भरी मांग, कच्चे धागे और मोहन जोदोरो जैसी सफल फिल्मों में एक खलनायक के किरदार में जाना जाता है। कबीर सिनेमा जगत के जितने अच्छे कलाकार हैं, उतनी अट्रैक्टिव उनकी पर्सनालिटी रही है। उन्होंने अपनी अभिनय कला के साथ साथ अपने खूबसूरत चेहरे से सभी के दिलों पर राज किया है। और जितनी इंटरेस्टिंग इनकी प्रोफेशनल जिंदगी रही, उतनी ही उथल पुथल इनकी निजी जिंदगी में भी रही। तो दोस्तों, आज हम हमारी इस वीडियो में खलनायक अभिनेता कबीर बेदी के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके करियर और आज के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे कबीर ने अपनी मेहनत और लगन से सिनेमा जगत पर राज किया। साथ ही इनकी निजी जिंदगी की 4 शादी और अफेयर के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की, तो कबीर बेदी का जन्म 16 जनवरी 1946 को लाहौर के एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता एक लेखक और दार्शनिक थे और इनकी माता एक ब्रिटिश महिला थीं। कबीर के परिवार ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत योगदान दिया। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल से पूरी की और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज से ही कबीर थिएटर में अभिनय किया करते थे, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाने का निश्चय किया। इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1963 में विदेशी टेलीविजन सीरीज से की। इसके बाद इन्होंने अपना रुख हिंदी सिनेमा की ओर मोड़ा। हिंदी सिनेमा में कबीर जी की शुरुआत सन 1971 की फिल्म सीमा से हुई। बता दें कि सीमा एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्देशन सुरेंद्र मोहन ने किया है। फिल्म में कबीर बेदी के अलावा राकेश रोशन, सिमी गरेवाल जैसे दिग्गज कलाकार भी मौजूद थे। फिल्म में कबीर का एक अलग ही चेहरा देखने को मिलता है। इसके बाद की सभी फिल्मों में कबीर दाढ़ी में नजर आए। ये इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें कबीर ने दाढ़ी नहीं रखी थी और वो अपने इस लुक में बेहद हैंडसम लग रहे थे। फिल्म में इनको देखकर कई लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने कुछ और भी फिल्मों में अभिनेता और सहायक अभिनेता का किरदार निभाया, जिनमें हलचल, सजा, राखी और हथकड़ी, अनोखा दान जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन सभी फिल्मों में कबीर ने अपना बेहद शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने सन 1973 में फिल्म कच्चे धागे में एक खलनायक का किरदार निभाया, जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के ऑफर आने लगे और उन्होंने इसके बाद की अपनी लगभग सभी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों द्वारा बेहद पसंद भी किया गया, जिसमें कबीर, बेवफा, पुलिस पब्लिक, हार जीत, शेरा, समशेरा, नागिन, सलामी, मेरा शिकार, बुलेट, या आग कब बुझेगी, अनारकली, चक्रव्यूह, कुर्बान जैसी सफल फिल्मों में नजर आए, जिनमें इनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा और दर्शकों द्वारा बेहद पसंद भी किया गया। कबीर सन 2004 में अभिनेता फराह खान के निर्देशन में बनी फिल्म मैं हूं ना में भी दिखाई दिए, जिसमें शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, अमृता राव और जायद खान ने अभिनय किया। इन्होंने ऋतिक रोशन के साथ सन 2010 में फिल्म काइट्स और सन 2009 में फिल्म ब्लू में भी अभिनय किया। इन्होंने अभिनेता शेक्सपियर के ओथेलो का प्रदर्शन भी किया और साथ ही द फोर पेविलियंस में अभिनय किया, जो एमएम काय के उपन्यास का वेस्ट एंड संगीत रूपांतरण है। इनको जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपसी में गोविंदा के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उनकी कुछ प्रमुख भूमिका ताजमहल, एन इंटरनल लव स्टोरी, जिसमें उन्होंने सम्राट शाहजहां की भूमिका निभाई। कबीर के इस किरदार को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया, परिणाम स्वरूप उन्होंने प्रशंसकों की खूब वाहवाही लूटी। कबीर बेदी ने सन 2012 में बसंत बालवन द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म अरवान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दीपा मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म कुमागाटा मारू का भी हिस्सा रहे। इसके अलावा मीरसा, द ब्रोकन की, जाने क्यों दे यारो और सन 2018 की साहब बीबी और गैंगस्टर 3 उनके अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में शामिल है, जिसमें कबीर के काम को बेहद सराहा गया। एक मंच अभिनेता और फिल्मों में काम करने के अलावा कबीर बेदी अमेरिकी टेलीविजन पर भी दिखाई दिए।
उन्होंने हॉलमार्क चैनल के अफ्रीकी महाकाव्य निषिद्ध क्षेत्र में अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने रेड ईगल, द लॉस्ट अम्पायर, डायनेस्टी, मर्डर शिवॉट और हाईलैंडर द सीरीज जैसी टीवी श्रृंखलाओं में भी अपना शानदार प्रदर्शन किया। कबीर बेदी ने यूरोपियन सिटकॉम दृश्य में भी अपनी पहचान बनाई, जिसके चलते वह टीवी श्रृंखला सैंडोकॉन, एक इतावली जर्मन फ्रांसीसी टीवी श्रृंखला के लिए अत्यधिक लोकप्रिय हुए। सन 1988 में उन्होंने केविन रेनॉल्ड्स द्वारा निर्देशित अमेरिकी युद्ध फिल्म द बीस्ट में अभिनय किया। न केवल अमेरिकी फिल्में बल्कि कबीर यूरोपीय फिल्मों का भी हिस्सा रहे। मार्को पोंटी द्वारा प्रशंसित इतावली फिल्म अदांटा रिटोर्नो में वो दिखाई दिए। साथ ही कबीर ने लोकप्रिय और सफल अमेरिकी टीवी श्रृंखला द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल में भी अभिनय किया। कहा जाता है कि एक समय में यह दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी श्रृंखला थी। वह आगे अपने स्वयं के भारतीय सिनेमाई टॉक शो आठ डायरेक्टर्स कट, एक 13 भाग वाली टीवी श्रृंखला के साथ आए, जिसमें भारत के प्रमुख निर्देशकों के साक्षात्कार दिखाए गए। सन 2013 में अभिनेता पुरस्कार विजेता प्राइम टाइम शो जैसे गन्स एंड ग्लोरी, द इंडियन सोल्जर और वंदे मातरम में दिखाई दिए, जो क्रमशः हेडलाइंस टुडे और आज तक पर प्रसारित किए गए। अभिनय के अलावा कबीर बेदी ने रेडियो 1 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में भी अभिनय किया, जिसका शीर्षक विमेन ऑफ गोल्ड और मैन ऑफ स्टील था। टाइम्स ऑफ इंडिया और तहलका जैसे भारतीय प्रकाशनों में भी कबीर का नियमित योगदान है। वह साइट सेवर्स इंडिया के मानद ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसने पूरे भारत में 5 मिलियन से अधिक निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन किए हैं। कबीर केयर एंड शेयर इटालिया के मानद ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के घरों और केंद्रों में किंडरगार्टन से लेकर विश्वविद्यालय तक के बच्चों को शिक्षित करता है। यह बात साबित करती है कि कबीर एक नर्म दिल इंसान है। इन सब में ऊपर कबीर को इतावली गणराज द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैवलियरे के साथ नाइट की उपाधि भी दी गई है। बता दें कि फिल्म खून भरी मांग के दौरान कबीर बेदी का नाम फिल्म अभिनेत्री सोनू वालिया के साथ जोड़ा गया। सुनने में आया था कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन किसी कारण से यह रिश्ता टूट गया या दोनों अलग हो गए। इसके अलावा कबीर बेदी के साथ प्रवीण बॉबी के अफेयर की भी खूब खबरें सामने आई और दोनों काफी लंबे समय तक सुर्खियों में बने रहे। सुनने में आया था कि कबीर ने प्रवीण के लिए अपनी वाइफ को भी डाइवोर्स दे दिया था, लेकिन किसी निजी कारण की वजह से प्रवीण बॉबी और कबीर की शादी नहीं हुई। बात करें कबीर बेदी के पारिवारिक जीवन की, तो उनके पिता का नाम बाबा प्यारे लाल सिंह बेदी था, जो एक पंजाबी सिख थे। इसके विपरीत कबीर की माँ का नाम फ्रेडा बेदी था, जो डर्बी इंग्लैंड की रहने वाली थी। निजी जिंदगी में कबीर बेदी ने 4 शादियां की। उनकी पहली शादी सन 1969 में प्रतिमा बेदी से हुई थी। प्रतिमा एक फेमस उड़िया डांसर थी। प्रतिमा और कबीर बेदी की 2 संतानें थी। उनकी बेटी का नाम पूजा बेदी है। पूजा का जन्म 11 मई सन 1971 को हुआ था। पूजा एक बेहद खूबसूरत अदाकारा हैं। पूजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में निर्माता जगमुंद्रा की फिल्म विश्वकन्या से की। इसके अलावा उन्होंने जो जीता वही सिकंदर, लुटेरे, आतंक जैसी फिल्मों में काम किया। पूजा की शादी फरहान फर्नीचर वाला से हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी का नाम आलिया फर्नीचरवाला और बेटे का नाम उमर फर्नीचरवाला है। बता दें सन 2003 में पूजा और फरहान का तलाक हो गया। बात करें कबीर और प्रतिमा के बेटे की, तो उनके बेटे का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन सिद्धार्थ को संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्नेगी मेलान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान सिज़ोफ्रेनिया बीमारी हो गई और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। प्रतिमा और कबीर की शादी सन 1974 तक चली और किसी कारण से दोनों का डाइवोर्स हो गया। इसके बाद कबीर बेदी ने सन 1980 में ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सुसैन हम्फ्रिस से शादी की। दोनों का एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम एडम बेदी है। एडम बेदी का जन्म सन 1981 में यूएस में हुआ था। वह भी पेशे से एक एक्टर है। एडम को लाइफलाइन, चरस अ जॉइंट, अफोर्ट और वाइवा लाफलिन जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। एडम की पत्नी का नाम मलिसा अन्ने मोर्फी है, जो पेशे से एक मेकअप और हेयर आर्टिस्ट है। कबीर बेदी और उनकी पत्नी सुसैन का रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चल सका और सन 1990 में दोनों का तलाक हो गया। इसके पश्चात सन 1992 में कबीर ने निक्की बेदी से शादी की, जो कि एक टीवी रेडियो प्रेजेंटर थी, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका और सन 2005 में दोनों का तलाक हो गया। कबीर बेदी ने सन 2016 में 4थी शादी प्रवीण दोसांझ से की, जिनके साथ कबीर करीबन 10 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रह चुके हैं। बता दें कि प्रवीण दोसांझ की उम्र कबीर की बेटी से छोटी है। इन दिनों कबीर बेदी अपनी पत्नी प्रवीण के साथ मुंबई महाराष्ट्र में ही रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम स्टोरी आई मस्ट टेल है। इस किताब में उन्होंने अपने इमोशन और अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव को लिखा है, जिसे पाठकों ने काफी पसंद किया है।
हिंदी सिनेमा में कबीर बेदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी में भले ही कुछ गलतियां की हों, लेकिन अपनी अभिनय कला से सभी के दिलों पर राज किया है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।